हेलो फ्रेंड्स, GDS टू MTS के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने वॉल्यूम 5 के डेफिनेशंस को करना शुरू किया था और हमने कर लिया था हमारे पास RLO तक, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। आज हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन जो 13 है हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, लिप्यंतरण केंद्र। एस्टैब्लिश्ड इन अ सॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड नॉर्मली एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सर्कल और एट एनी अदर कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्कल। तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर है, नॉर्मली ये कहाँ पे होता है, जो सर्कल का हेडक्वार्टर होता है, सर्कल का मुख्यालय होता है, वहाँ पर जो छंटाई कार्यालय होता है उनमें एक छोटा सा सेल होता है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन सेंटर या फिर कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन दी सर्कल। सर्कल में अगर कोई और सुविधाजनक छंटाई कार्यालय है वहाँ पर भी यह स्थित हो सकता है। ट्रांसक्राइब्स इन टू इंग्लिश दी एड्रेस इज रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेज ऑन दी पोस्टल आर्टिकल्स। तो पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए पते को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, अंग्रेजी में लिखना, ये ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का काम होता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, डाक विनियम केंद्र, ए पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन बिच एक्सचेंजेस मेल्स विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंट्रीज में जो ऑफिसेज हैं, जो डाक कार्यालय होते हैं, उनके साथ डाक का आदान प्रदान करने वाला डाकघर, छंटाई कार्यालय या फिर अनुभाग, उसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल्स इट मेक्स अप एंड एड्रेसेस टू एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन एन अदर कंट्री। प्रेषण डाक विनियम केंद्र, हम किस डाक विनियम को केंद्र को कहेंगे, ऐसा डाक विनियम केंद्र जो दूसरी कंट्री में, यानी कि जो विदेशों में स्थित डाक विनियम केंद्रों के लिए डाक को तैयार करता है और उनके लिए भेजता है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रेषण डाक विनियम केंद्र। रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज मेल्स एड्रेसेस टू इट बाई एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम अनदर कंट्री। तो विदेशों के जो डाक विनियम केंद्र हैं, जब वो किसी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज के लिए हमारे पास डाक को भेजते हैं, उनके पते पर भेजते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिसीविंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। टर्म्स आउटबार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो यूज टू डिस्क्राइब दम। जाबक डाक विनियम केंद्र और आबक डाक विनियम केंद्र भी इनके लिए यूज किया जाता है, जो हमारे डिस्पैचिंग ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ये कौन सा हो गया हमारे पास आउटबार्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, और जो हमारे पास आबक प्राप्ति डाक विनियम केंद्र है, ये हो गया हमारे पास आबक डाक विनियम केंद्र। तो ये भी इनके लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, पारवहन डाक विनियम केंद्र। इसकी डेफिनेशन क्या है, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन दी बॉर्डर विच ओनली रिसीव्स एंड डिस्पैचेस क्लोज्ड बैग्स एड्रेस्ड टू और रिसीव फ्रॉम अदर ऑफिसेज ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया इज नोन एज ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, पारवहन डाक विनियम केंद्र। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये सीमा पर स्थित डाक विनियम केंद्र है जो भारत में, इंडिया में दूसरे डाक विनियम केंद्र हैं उनके लिए भेजे गए या उनके लिए प्राप्त होने वाले, या फिर जो डाक विनियम केंद्र है उनके द्वारा, जो हमारे इंडिया के डाक विनियम केंद्र है उनके द्वारा जो थैले भेजे जाते हैं उनको ये रिसीव करते हैं और भेजते हैं, बस सिर्फ यही इनका काम होता है। फ्रेंड्स, इनके लिए हम आपको हिंदी में भी PDF प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप इनको और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जब तक आप इनको अच्छे से ध्यान से खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये डेफिनेशंस वगैरह थोड़ी है, इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इनको एक बार हम जब हिंदी PDF प्रोवाइड करवाएंगे तब आप वहां से भी इनको पढ़िएगा, आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास कि ऐसा डाक विनियम केंद्र जो किसी बॉर्डर पर स्थित होता है, जो जैसे कि भारत की सीमा पर जो स्थित है, वो क्या करता है, जो भारत में दूसरे डाक विनियम केंद्र है उनके लिए प्राप्त होने वाले या उनसे प्राप्त होने वाले जो थैले होते हैं, क्लोज्ड बैग्स होते हैं, उनको रिसीव करता है और उनको भेजने का काम करता है। इसको कहते हैं हम ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। नोट क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, ये फॉरेन कंट्रीज के लिए थैलों को बंद नहीं करता है, ये सिर्फ रिसीव करता है और डिस्पैच करता है क्लोज्ड बैग्स को, बंद थैलों को। नोट ओपन इनवार्ड फॉरेन बैग्स, और ना ही फॉरेन कंट्रीज से जो बैग आते हैं उनको ये खोलेगा। ओनली एक्सचेंज मेल्स विद कैरियर और विद द ऑफिशियल्स ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो विदेशी प्रशासन के जो वाहन होते हैं या कर्मचारी होते हैं उनके साथ डाक का आदान प्रदान करना, सिर्फ यही इसका काम होता है। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन पोस्ट ऑफिस, विदेश डाकघर, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन विच द वर्क ऑफ असेसमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी ऑन फॉरेन मेल्स इज आल्सो कैरिड आउट। तो ऐसा डाक विनियम केंद्र जहां पर विदेश डाकघर सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाता है उसको कहते हैं फॉरेन पोस्ट ऑफिस। मेल्स में भी इंटरसेप्टेड इन मैनी एक्सचेंज ऑफिसेज, तो जो डाक होती है उसको बहुत से एक्सचेंज ऑफिसेज, जो डाक विनियम केंद्र होते हैं वहां पर रोका जा सकता है, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उनको खोला जा सकता है, बट वर्क ऑफ एक्चुअल असेसमेंट ऑफ कस्टम इज
डन ओनली इन दी फॉरन पोस्ट ऑफिस, बट जो हमारे पास एक्चुअल सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाता है वो सिर्फ फॉरन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, विदेश डाकघर में ही किया जा सकता है। वैसे तो हमारी जो डाक होती है उसको बहुत सारे डाक विनियम केंद्रों में खोला जा सकता है, बट जो हमारे पास एक्चुअल में सीमा शुल्क का निर्धारण किया जाता है वो सिर्फ फॉरन पोस्ट ऑफिस में ही किया जा सकता है। आर्टिकल्स रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड सस्पेक्टेड टू कंटेन ड्यूटेबल गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स होती हैं जिनके ऊपर कोई शुल्क लगना हो उनको कहेंगे हम ड्यूटेबल गुड्स। डिलीवरी फ्रॉम एन ऑफिस नियरर एन अदर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर डायरेक्टर टू द लेटर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर कोई ऐसा आर्टिकल डाक विनियम केंद्र में प्राप्त होता है जिसके ऊपर यह शक हो कि उसके ऊपर जो हमारे पास कस्टम ड्यूटी है या फिर हमारे पास जो शुल्क है वो लगना है, डिलीवरी फ्रॉम एन ऑफिस नियरर अदर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, और उसकी जो डिलीवरी है ऐसे ऑफिस से होनी है, ऐसे कार्यालय से होनी है जो किसी दूसरे डाक विनियम केंद्र के नज़दीक हो, तो उसको क्या किया जाता है, उस परवर्ती डाक विनियम केंद्र को भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे उसका निरीक्षण हो सके, उसकी एग्जामिनेशन हो सके और उसके ऊपर जो शुल्क लगना है उसका निर्धारण किया जा सके। उसके बाद आता है हमारे पास सब फॉरन पोस्ट ऑफिस उप विदेश डाकघर। तो इससे पीछे हमने पढ़ा कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद पढ़ा हमने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, तो हमारा जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट है ये भी हमारे पास एक डाक विनियम केंद्र हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा फॉरन पोस्ट ऑफिस, ये भी हमारा डाक विनियम केंद्र ऑफिस ऑफ एक्सचेंज है, बट जो हमारा सब फॉरन पोस्ट ऑफिस है ये डाक विनियम केंद्र नहीं है, नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस। ये पॉइंट्स भी आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कौन सा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डाक विनियम केंद्र नहीं है, तो जो हमारा सब फॉरन पोस्ट ऑफिस है ये डाक विनियम केंद्र नहीं है। नोट क्लोज बैग्स फॉर अदर कंट्रीज एंड नोट रिसीव फ्रॉम फॉरन कंट्रीज, ना ही ये अदर कंट्रीज के लिए, दूसरी कंट्रीज के लिए बैग्स को बंद करेगा और ना ही उनके लिए जो बैग्स आते हैं उनको ये प्राप्त करेगा। वर्क ऑफ कस्टम एग्जामिनेशन असेसमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी इज कैरिड आउट, इसका क्या काम है, तो सब फॉरन पोस्ट ऑफिस जो है इसका क्या काम है, कस्टम एग्जामिनेशन जो सीमा शुल्क है उसकी जांच करना, असेसमेंट निर्धारण करना और उनका लेखा रखने का काम हमारे पास सब फॉरन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। सब फॉरन पोस्ट ऑफिस आर ओपन मेनली फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ सेंडर्स एंड एड्रेसेस, जो सब फॉरन पोस्ट ऑफिस हैं ये मुख्यतः पाने वालों, सेंडर्स जो होते हैं भेजने वाले या फिर एड्रेसेस हैं जो प्राप्त करने वाले हैं उनकी सुविधा के लिए इनको खोला गया है। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिट सेक्शंस, परिवहन अनुभाग, ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइंस, रेलवे मेल सर्विस के बह चल कार्यालय, ट्रैवलिंग ऑफिसेज जो रेलवे या फिर नदी स्टीमर लाइंस पर काम करते हैं उनको कहा जाता है हमारे पास ट्रांजिट सेक्शंस, परिवहन अनुभाग। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए सेट ऑफ ए ट्रांजिट सेक्शन, परिवहन अनुभाग के सेट का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, मेल गार्ड हो सकता है या फिर मेल एजेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेक्शंस आर नंबर्ड सीरियली, अनुभागों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है, सीरियली होती है, डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ द आरएमएस डिवीजन फॉलोड बाय द सीरियल नंबर, और इसका डेजिग्नेशन, इसका नामकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो पहले रेलवे मेल सर्विस के मंडल का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी अनुभाग का सीरियल नंबर है वो लिख के इसका नामकरण किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेल ऑफिस, डाक कार्यालय, स्टेशनरी ऑफिसेज ऑफ आरएमएस, अभी हमने पीछे पढ़ा ट्रांजिट सेक्शंस, ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ आरएमएस और जो मेल ऑफिसेज हैं ये स्टेशनरी ऑफिसेज ऑफ आरएमएस है, दोनों ही आरएमएस के ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, एक ट्रैवलिंग है दूसरा स्टेशनरी है, यानी कि स्थिर कार्यालय है रेलवे मेल सर्विस के, और ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज और दूसरे हैं हमारे पास ट्रांजिट मेल ऑफिसेज। ट्रांजिट मेल ऑफिस ओनली डील्स विद क्लोज्ड बैग, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होगा ये सिर्फ बंद थैलों के साथ इसका काम होगा, ये खुले थैलों के साथ इसका कोई काम नहीं होगा, ये सिर्फ क्लोज्ड बैग के साथ डील्स करेगा। और जो हमारे सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज होते हैं, छंटाई डाक कार्यालय होते हैं, डील्स विद कंटेंट्स ऑफ मेल बैग्स एड्रेस्ड टू देम एज वेल एज विद क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग्स, जो सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज होते हैं इनका काम किसके साथ होता है, जो मेल बैग्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं, बट कौन से मेल बैग्स, जो इनके पते पर भेजे गए हो, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के पते पर भेजे जाने वाले मेल बैग्स के अंदर के कंटेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर के जो भी सामग्री होती है, जो भी उनके अंदर आर्टिकल्स होंगे उनका निपटान करता है, एज वेल एज जो हमारे पास क्लोज्ड फॉरवर्ड बैग्स होते हैं उनको ये खोलता तो नहीं है, बट उनके साथ भी इसकी डीलिंग होती है कि ये उनको बिना खोले ही आगे फॉरवर्ड कर देता है, ये हमारे पास सॉर्टिंग मेल ऑफिस का काम होता है।
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए सेट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस, जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस है छंटाई डाक कार्यालय है उसके किसी सेट का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कौन होगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए सेट ऑफ ए ट्रांजिट मेल ऑफिस इज मेल एजेंट, और जो हमारे पास ट्रांजिट मेल ऑफिस के सेट का ऑफिसर इंचार्ज होगा वो होगा मेल एजेंट। कॉरपोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल ऑफिस, कॉरपोरेट डाक कार्यालय या फिर थोक डाक कार्यालय। कंसिक्वेंट ऑन द इंक्रीज ऑफ कॉरपोरेट मेल, कॉरपोरेट मेल में वृद्धि होने के कारण रेलवे मेल सर्विस यूनिट्स, कॉरपोरेट मेल ऑफिसेज एंड बल्क मेल ऑफिसेज आर ओपन्ड इन बिग सिटीज। तो रेलवे मेल सर्विस यूनिट्स द्वारा कॉरपोरेट मेल ऑफिस और थोक डाक कार्यालय खोले गए हैं बड़ी सिटीज में, बिग सिटीज में। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि बल्क मेलर किसको कहा जाएगा या थोक ग्राहक किसको कहा जाता है। ए फर्म पोस्टिंग ऑफ 5000 अनरजिस्टर्ड और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एट ए टाइम, एक ही बार में 5000 अनरजिस्टर्ड और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ठीक है, इन दोनों में से या तो 5000 अनरजिस्टर्ड या फिर 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जो एक ही बार में पोस्ट करे उस फर्म को क्या कहेंगे, बल्क मेलर कहेंगे। बल्क मेलर्स आर सप्लाइड विद कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट, और जो बल्क मेलर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। बंडल्स आर प्रिपेयर्ड बाय बल्क मेलर्स एज पर कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट, और जो हमारे पास बल्क मेलर्स होते हैं उनके द्वारा जो बंडल्स बनाए जाते हैं वो किसके हिसाब से बनाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग लिस्ट के आधार पर बनाए जाते हैं। डिटेल्स ऑफ बंडल्स, और जो बंडल्स की डिटेल होगी एंटर्ड इन वन इनवाइस विच इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड ब्रॉट टू बल्क मेल सेंटर, तो दो प्रतियों के बीजक के साथ इसको तैयार किया जाता है जो बंडल्स की डिटेल होती है और बल्क मेल सेंटर में उसको लाया जाता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेंटर वेरीफाइज बंडल रिसीव फ्रॉम ईच बल्क मेलर विद रेफरेंस टू इनवाइस रिसीव्ड एंड ग्रुप देम डेस्टिनेशन वाइज फॉर डिस्पैच, और जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, जो बल्क मेल सेंटर का ऑफिसर इंचार्ज होगा वो क्या करेगा, बंडल्स को वेरीफाई करेगा, और किसके साथ वेरीफाई करेगा, जो इनवॉइस प्रोवाइड करवाई जाएगी जो हमारे पास बंडल्स की बनाई जाती है बल्क मेलर के द्वारा उसके हिसाब से वो उनको बंडल्स को वेरीफाई करेगा उस इनवॉइस के साथ एंड ग्रुप देम डेस्टिनेशन वाइज फॉर डिस्पैच, और उनको प्रेषण के लिए गंतव्य के स्थान के हिसाब से उनको क्या करेगा, ग्रुप वाइज उनको रख देगा। उसके बाद आता है हमारे पास मास मेलिंग सेंटर MMC। इन बिग सिटीज इन ऑर्डर टू हेल्प कस्टमर्स हु आर रेगुलरली पोस्टिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड MMC। बड़े शहरों में जहां पर ग्राहक लगातार रेगुलरली बड़ी संख्या में हमारे पास लेटर्स को पोस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वहां पर क्या किया है, मास मेलिंग सेंटर्स को खोला है। इन MMC लूज लेटर्स सर्कुलर्स एंड ब्लैंक एनवेलप इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, और मास मेलिंग सेंटर में क्या किया जाता है, खुले पत्र परिपत्र या फिर खाली कवर्स लिए जाते हैं कस्टमर से एंड हेल्प देम इन राइटिंग द एड्रेस, और उनकी वहां पे क्या की जाती है, मास मेलिंग सेंटर में उनकी हेल्प की जाती है किस चीज में, एड्रेस लिखने में, एनक्लोज द सर्कुलर्स जो परिपत्र है उनको एनक्लोज करने में, या फिर जो लेटर्स हैं उनको एनवेल्प्स में डालने के लिए, पोस्टेज स्टैम्प चिपकाने के लिए, या फिर जो मेल है जो डाक है उसको फ्रैंक करने में उनकी मदद की जाती है। फॉर दिस पर्पज मास मेलिंग सेंटर में एंगेज कॉलेज स्टूडेंट्स हाउस वाइव्स पेंशनर्स, तो मास मेलिंग सेंटर इनके लिए क्या करता है, जो मास मेलिंग सेंटर में कर्मचारी रखे जाते हैं ये सारा काम करने के लिए, थैले बंद करने, सॉरी हमारे पास जो डाक होती है उसको बंद करने के लिए, पोस्टेज स्टैम्प चिपकाने के लिए या फ्रैंकिंग जो होती है उसको करने के लिए, उनके लिए कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर गृहिणियां जो होती हैं या पेंशनर्स जो होते हैं उनको काम पर रखा जाता है, और उनको आवरली बेसिस के ऊपर काम पर रखा जाता है, घंटों के हिसाब से उनको काम पर रखा जाता है और उनको पेमेंट की जाती है। कस्टमर्स विल हैव टू पे एक्स्ट्रा इन एडिशन टू पोस्टेज, तो जो पोस्टेज लगेगी उसके साथ जो हमारे पास इन सभी को जो मास मेलिंग सेंटर में ये सारा काम कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं उनको जो भी पैसे देने हैं वो कस्टमर से लिए जाते हैं, जो पोस्टेज है प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा भी लिए जाते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करेंगे तो उसमें हम आपको ये भी साथ में सारे चार्जेस बताएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी ये आता है, तो उसमें पूरे चार्जेस आपको वहां पे बताए जाएंगे। डिसाइड बाय डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, किसके द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है कि कितने चार्जेस लेने हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास PSO प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस।
सिचुएटेड ऑन दी प्रमिसेस ऑफ दी न्यूज़पेपर, तो जहां पे न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है उसी प्रांगण में हमारे पास प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस भी स्थित होता है। द एंटायर एक्सपेंडिचर बेसिस फॉर एस्टेब्लिशमेंट बोर्न बाई न्यूज़पेपर पब्लिशर, और जितने भी कर्मचारी होते हैं वो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में काम करने वाले, उनके वेतन को कौन बहन करेगा, उनके वेतन का जो बहन करेगा न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर होगा प्रकाशक होगा उसी के द्वारा बहन किया जाएगा। प्रोवाइड रिक्वायर्ड स्टेशनरी फॉर वर्किंग ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस, और छंटाई कार्यालयों के लिए जो भी उनको स्टेशनरी चाहिए वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी न्यूज़पेपर पब्लिशर के द्वारा। क्लोज डायरेक्ट लेटर बैग्स एल बैग्स टू पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिस थ्रू लोकल रेगुलर सॉर्टिंग ऑफिस, और जो हमारे प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं ये लोकल जो हमारे पास रेगुलर सॉर्टिंग ऑफिस होते हैं लोकल रेगुलर छंटाई कार्यालय जो होंगे उनके थ्रू पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस के लिए डायरेक्ट लेटर बैग्स को ये भेजते हैं, उनके लिए डायरेक्ट लेटर बैग्स ये बंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड ऑफिस अभिलेख कार्यालय स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस रेलवे मेल सर्विस का ये स्थिर कार्यालय है। वर्क पेपर्स ऑफ सेक्शंस अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर्ड चेक्ड एंड प्लेस्ड इन रिकॉर्ड, तो ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास सेक्शंस इसके साथ जुड़े हुए हैं अभिलेख कार्यालय के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कार्यपत्र तैयार करना उनको चेक करना और रिकॉर्ड में रखने का ये काम करता है। ऑल फोरम्स बैग्स एंड स्टेशनरी रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ दोज सेक्शंस आर रिक्वायर्ड और सप्लाइड, तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जुड़े हुए अनुभाग हैं उनके लिए जो भी फोरम्स चाहिए बैग्स चाहिए या स्टेशनरी चाहिए ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं, और इसका ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है रिकॉर्ड ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास हेड रिकॉर्ड ऑफिस HRO स्टेशनरी ऑफिस सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ RMS डिवीजन रेलवे मेल सर्विस मंडल के जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर ये स्थित होता है और ये रेलवे मेल सर्विस का स्थिर कार्यालय है। हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी रेलवे मेल सर्विस का एक स्थिर कार्यालय है। ऑर्डिनरी ड्यूटीज ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस प्लस सैलरी एंड कॉन्टिजेंट बिल्स फॉर एंटायर डिवीजन एंड अकाउंट्स कनेक्टेड देयर विद आर प्रिपेयर्ड, अभिलेख कार्यालय के सामान्य कार्य के अतिरिक्त ऑर्डिनरी ड्यूटीज है जो रिकॉर्ड ऑफिस की जो हमारे पास अभिलेख कार्यालय है उसकी जो सामान्य कार्य है प्लस उसके साथ सारे मंडल के वेतन बिल और फुटकर बिलों और उनसे संबंधित लेखों को तैयार करना ये सारा इसका काम होता है, और इसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो कौन होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। उसके बाद हमारे पास सब रिकॉर्ड ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस ऑफ RMS, तो ये फिर रेलवे मेल सर्विस का एक स्थिर कार्यालय है। सिचुएटेड एट सेम स्टेशन एट मेल ऑफिस, या उसी स्थान पर स्थित होता है जहां पर डाक कार्यालय होता है, ये हमारा सब रिकॉर्ड ऑफिस हो गया। वर्क पेपर्स ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शंस अटैच्ड टू सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रिपेयर्ड चेक्ड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, ये क्या करता है ये हमारे पास जो भी सब रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जुड़े हुए अनुभाग होते हैं या मेल ऑफिस होते हैं उनके वर्क पेपर्स उनके कार्यपत्र तैयार करता है उनको चेक करता है और उनको रिकॉर्ड में रखता है। ऑल फोरम्स बैग्स और स्टेशनरी रिक्वायर फॉर यूज ऑफ मेल ऑफिस एंड सेक्शंस आर सप्लाइड, तो जो भी सब रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जुड़े हुए डाक कार्यालय होते हैं या अनुभाग होते हैं उनके लिए जो भी जरूरत होती है फोरम्स या बैग्स या स्टेशनरी की ये उनको प्रोवाइड करवाता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ SRO सब रिकॉर्ड ऑफिसर, जो हमारे पास सब रिकॉर्ड ऑफिस है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कौन होगा सब रिकॉर्ड ऑफिसर। सब रिकॉर्ड ऑफिसर आल्सो वर्क्स एज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सब सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल एजेंट, तो जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है ये हमारे पास हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट प्रधान छंटाई सहायक सब सॉर्टिंग असिस्टेंट उप छंटाई सहायक और मेल एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो फ्रेंड्स आज हम यही तक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हम बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, पांच या चार या पांच इसके पोर्शन बन जाएंगे तो आराम से इनको करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझ भी सकें और इनके नोट्स बना के आप इनको याद भी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।